है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं जो गाड़ी है ऑडी Q5, ये गाड़ी के अंदर जैसे देख सकते हैं हीटर की जो लाइट है ब्लिंक कर रही है और चेक इंजन लाइट आ रही है। ठीक है, देख सकते हो हीटर लाइट ब्लिंक कर रही है। गाड़ी में पिकअप नहीं है तो इसको स्कैनिंग करते देखते क्या एरर कोड आ रहा है। जैसे कि ये गाड़ी जो है यूरोपियन है तो अपनी यूरोपियन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऑडी ओके। सिस्टम स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है हेल्थ रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन फंक्शन जो भी है इसके अंदर। तो अपने को जो इंजन चेक करना है इसका, क्योंकि हीटर लाइट ब्लिंक कर रही है और चेक इंजन लाइट आ रही है। देख सकते हो चेक इंजन लाइट और हीटर लाइट आ रही है। तो यहाँ पे सिस्टम सिलेक्शन में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इसे बंद कर लेते आप, रीड DTC, जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर जो फॉल्ट दिखा रहा है एग्जॉस्ट गैस का लिख के आ रहा है इसमें, एग्जॉस्ट रिसर्कुलेशन कूलिंग वाल्व कंट्रोल सर्किट ओपन दिखा रहा है और भी बहुत सारे फॉल्ट है इसके अंदर। अरे यार मेरा बाइक है। ठीक है, पहले फॉल्ट क्लियर करते हैं और इसके अंदर जो फॉल्ट लग रहा है ये दो ही फॉल्ट लग रहा है एग्जॉस्ट गैस इसकी, क्योंकि ये इसकी वजह से ही पिकअप का इश्यू रहेगा। और पहले फॉल्ट क्लियर करते तो यहाँ से बैक करना है, उसके बाद क्लियर फॉल्ट, यस यस, तो अभी भी इसके अंदर फॉल्ट क्लियर करने के बाद बहुत सारे फॉल्ट दिखा रहे हैं जैसा कि देख सकते हो। टर्बो सुपर चार्जर का भी फॉल्ट दिखा रहा है अभी इसके अंदर, और एग्जॉस्ट गैस, इंजन माउंटिंग वाल्व, इंजन ग्लो प्लग मॉड्यूल, कंट्रोल सर्किट, शायद चुहने वायर वायर कट गया हो क्योंकि काफी इसके अंदर फॉल्ट आ रहे हैं देख सकते हो। और चेक इंजन लाइट चली गई है बट हीटर लाइट आ रही है। फॉल्ट क्लियर करने के बाद देख सकते हो जैसे यहाँ पे चेक इंजन लाइट चली गई है बट जो हीटर की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, जो ग्लो प्लग की लाइट है। तो एक बार इसका बोनट खोल के देखते हैं अंदर क्या 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 है, क्या वायर वगैरह कुछ कट किया हुआ, क्या कंडीशन है इसकी। ओपन टू बॉडी बोनट, यहाँ पे जो वायरिंग जो है ना चूहे ने थोड़ा कट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा अंधेरा दिख नहीं रहा है, चार पांच वायर कट है, चूहे ने कट किया हुआ है और इधर भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो पहले इसका वायर ज्वाइंट करते हैं फिर स्कैनिंग करके देखते हैं फॉल्ट जा रहा है क्या। जिसका ये इंजन का लूम है देख सकते हो, जो इंजन लूम है यहाँ पे वायरिंग चूहे ने कट किया हुआ है, मतलब एक दो बार कट किया था पूरा खींच के वो हो गया है, खराब हो गया है। तो वायर ज्वाइंट कर लेते हैं इसका, जो ये कूलेंट पंप का दिखा रहा है देख सकते हो सामने, ये जो सॉकेट है कूलेंट पंप की, इसके लिए इसके अंदर एक्टिव स्टेटस आ रहा है देख सकते हो। कूलेंट पंप का जो ये पूरा वायरिंग इसका जो इंजन लूम गया हुआ है यहाँ पे सामने। तो अभी हम लोगों ने इसका वायर वगैरह पूरा ज्वाइंट कर दिया, जो वहां पे जो ब्रेक था सब, ठीक है। स्कैनिंग करते देखते वापस से लाइट जा रही कि नहीं। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, बात करो DTC। तो जैसा कि देख सकते हैं बूस्ट चार्जर, कूलेंट पंप, ये सब का जो फॉल्ट आ रहा था सारा फॉल्ट चले गया। अभी सिर्फ जो इसका इंजन माउंटिंग वाल्व ओपन सर्किट दिखा रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे हीटर लाइट भी चली गई है। ठीक है, चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रही और हीटर लाइट भी चली गई है इसके अंदर, और बाकी ये इसका फॉल्ट आ रहा है।
एक बार क्लियर फोल्ड करते हैं। यस ठीक है, नो फॉल्ट कोड, पहले फॉल्ट कोड जा नहीं रहा था, देख सकते हो अभी नो डीटीसी नो ट्रबल कोड, यहाँ नो फॉल्ट कोड आ रहा है और लाइट ही चली गई। इसके अंदर एक एयरबैग की लाइट आ रही है, वो आगे का इम्पैक्ट सेंसर का दिखा रहा है इसके अंदर, बाकी तो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।